फ्रेंड्स ये हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए पहले हम सिंपली आर को क्या लिखते हैं, आर जो होता है वो होता है हमारे पास डेल अपॉन डेल जेड, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर ऑफ जेड। इसी तरह हमारे पास एस जो होता है वो होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये डेल एक्स होता है। और अगर टी की बात करें तो ये होता है हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर डी डी डैश, और इसको लिख सकते हैं हम डी डैश का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। तो फ्रेंड्स यहां से हमारे पास इस इक्वेशन को लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश प्लस डी ऑफ जेड इक्वल टू जी, जेड इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस 3y। ये हो गए हमारे पास। अब इसको हम क्या करना है, इसका हमें पहले एक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, यानी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन दोनों को मिला के तो हम सॉल्यूशन देते हैं। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आर एच एस को जीरो पुट करना होगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर जेड इक्वल टू जीरो। तो ये हो गए हमारे पास। अब फिर इसके एक्सेलरेटिव इक्वेशन निकालने के लिए हमें d बराबर तो m पुट करते हैं और d डैश बराबर 1 पुट करते हैं, तो यहां से आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, या m माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, m बराबर 1 1। तो यहां से हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दे सकते हैं cf, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बोलते हैं, ये दे सकते हैं हमारे पास y बराबर 5, फाइव देना चाहे तो फाइव, ये हो गया फाइव, और ये हो गया वाई प्लस एक्स एंड प्लस एक्स, ये हो गया फाइव वाई प्लस एक्स। तो इस तरह से हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दे सकते हैं। फिर से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने किस तरह से निकाला है, इसमें मैंने पहले वीडियो बनाई है, ये लेक्चर नंबर 16 या 17 में मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से निकालते हैं, वहां से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की ये टर्म किस तरह से लिखते हैं। तो यहां से भाई सॉरी जेड बराबर ये लिखते हैं जेड बराबर, ये हो गया हमारे पास। अब हमें निकालना है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, वन अपॉन एफ डी डी डैश, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में जेड बराबर वन अपॉन डी डी डैश, और ये हो गया हमारे पास जो राइट हैंड साइड होता है साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई, साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई, यहाँ बोले एफ एक्स वाई। तो ये एफ डी डी डैश क्या है हमारे पास, एफ डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर, और ये साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई, ये है हमारे पास। अब फिर हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम अगर एफ ए बी देखें, एफ ए बी एफ क्या है हमारे पास डी डी डैश क्या है, ये ए बराबर क्या है साइन ए एक्स प्लस बी वाई फाइव, ए एक्स प्लस बी वाई वाली फॉर्म में ए बराबर यहाँ टू है और बी बराबर थ्री है, और ए बराबर टू और थ्री इसमें रखें तो ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन टू का स्क्वायर माइनस टू 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 डॉट टू थ्री, ये हो गया हमारे पास प्लस थ्री का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। और इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये टू टाइम है, यानी टू हाईएस्ट जो टर्म है वो टू टाइम है, तो ये आ गया हमारे पास, या यहां से हम कह सकते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर का है तो इसलिए टू टाइम इंटीग्रेशन आ गया। और इस टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर यू पुट कर देंगे साइन यू ऑफ डी यू, ये हो गया टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर यू, तो ये हो गया हमारे पास। तो इसकी वैल्यू अगर 2 टू 4 और ये माइनस 12 प्लस 9, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो ये तो हमारे पास 1 कोई मतलब नहीं है इसको लिखने से, तो क्योंकि ये 1 है। अब साइन यू ऑफ डी यू डी यू टू टाइम इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो गया हमारे पास पहले फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन किया हमने, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस यू ऑफ डी यू बचा, क्योंकि एक टाइम इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारे पास कॉस यू और डी यू बचा, फिर से इंटीग्रेशन किया तो माइनस साइन और यू बचा, तो यू की वैल्यू आ जाएगी टू एक्स प्लस थ्री वाई।
तो इस तरह से जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया वो आया हमारे पास सी ए प्लस पी आई कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं तो सी ए प्लस पी आई अगर लिखते हैं तो ये हो गया जेड बराबर फाइव वाई प्लस एक्स फाइव वाई प्लस एक्स और माइनस साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन में या इस मेथड में कहीं डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरी मेल आईडी दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर फ्रेंड्स व्हाट्सएप भी करना है, कॉल नहीं करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।